नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस जो टॉपिक है एक सदनीय विधायिका, इसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए, एक सदनीय विधायिका के साथ साथ आपको इस बार द्विसदनीय विधायिका को भी पढ़ना है, लेकिन हम पहले एक एक पॉइंट की शुरुआत करेंगे। तो आइए आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक सदनीय विधायिका के बारे में बताते हैं। तो एक सदनीय विधायिका किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं। जिस देश में, बहुत सारे देश है, जिस देश में व्यवस्थापिका का एक सदन होता है, जिस देश में व्यवस्थापिका का एक सदन होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जिस देश में अभी भी मौजूदा समय में व्यवस्थापिका की अगर बात कर ली जाए तो उसके एक सदन ही होते हैं, उसे एक सदनीय विधायिका कहा जाता है। सिंपल सा लैंग्वेज है और टॉपिक है, समझ लीजिए। जिस देश में व्यवस्थापिका का सिर्फ और सिर्फ एक सदन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सदन होता है, उसे एक सदनीय विधायिका कहा जाता है। यह पद्धति आज विश्व के अनेक देशों में प्रचलित है। सिर्फ और सिर्फ हम अब यहाँ बहुत सारे ऐसे देश अभी वर्तमान समय में मौजूद है जिसमें एक सदनीय विधायिका अभी भी पद्धति उसकी प्रचलित है, मतलब वो काम कर रही है। अगर इस पद्धति की बात कर ली जाए तो 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के समय की बात है। यह पद्धति जो है वो 18वीं और 19वीं सदी के दौरान बहुत ज्यादा लोकप्रिय रही, मतलब लोगों के विश्वास का एक कारण बना रहा, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद किए। कब किए? 18वीं और 19वीं सदी के पास। और हाँ, अगर अभी की बात कर ली जाए तो वर्तमान समय में भी एक सदनीय विधायिका का लोकप्रियता कम नहीं हुआ है, आज भी इसकी लोकप्रियता जो है वो मौजूद है। इस पद्धति के समर्थकों का कहना है, मतलब कि एक सदनीय विधायिका के समर्थन में इसके मानने वाले लोगों का कहना है कि लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लोकप्रिय संप्रभुता जो होता है वो किसके अंदर होता है? जनता के अंदर, आम मानस के अंदर, आम लोगों के अंदर निवास करती है। और उसका प्रतिनिधित्व, मतलब उसका जो नेता है, केवल एक ही सदन द्वारा होना चाहिए। उसका जो प्रचालित है, उसको जो संचालन करने वाला है, उसको जो चलाने वाला है, वो केवल और केवल एक सदन के द्वारा होना चाहिए। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक सदनीय विधायिका क्या है। तो जिस देश में व्यवस्थापिका का सिर्फ एक सदन होता है, उस देश के अंदर आप कह सकते हैं कि एक सदनीय विधायिका होती है। और ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय कर रही, तो 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा, हालांकि आज भी है। और इनके समर्थक, मतलब इसके मानने वाले लोगों का कहना है कि लोकप्रियता संप्रभुता जनता में निवास करती है, इसीलिए उनका प्रतिनिधि करने वाला भी एक ही होना चाहिए। तो ये था एक सदनीय विधायिका। अब देखिए, लोग एक समय में एक ही विषय पर दो भिन्न भिन्न इच्छाएं नहीं रख सकते। मान लीजिए हम इंसान हैं, अब इंसान क्या करेगा? अभी मैं पढ़ रहा हूं, किसी किताब को पढ़ रहा हूं, तो दूसरे हाथों से लिख भी तो नहीं सकता ना, या तो पढ़ लूंगा या लिख लूंगा। तो हम इंसान हैं और हम एक समय पे दो अलग अलग इच्छाएं नहीं रख सकते। अगर मैं अभी कहीं ऐसे राज्य में हूं, जैसे कि मेरा राज्य बिहार है और मैं बिहार में हूं, और मैं इच्छा रख रहा हूं कि अभी मैं कनाडा चला जाऊं, समय पर मैं दो जगहों पर मौजूद भी नहीं हो सकता और ऐसा इच्छा भी नहीं कर सकता। इसलिए क्या कहा गया है कि कानून निर्माण करने वाली सभा भी जो जनता का प्रतिनिधित्व तो करती है, सांसद लोग करते हैं। आपको पहले के चैप्टर में मैंने बताया है कि जनता के प्रतिनिधि जो कानून का निर्माण करते हैं, इसके अलावा जनता का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, अनिवार्यता एक ही होनी चाहिए, मतलब ये एक ही होना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत बड़े फिलोसफर कह सकते हैं आप, ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, इन्होंने भी एक सदन का ही समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि देश के अंदर प्रतिनिधित्व करने की क्षमता एक सदनीय ही होनी चाहिए। आज की अगर बात कर ले, वर्तमान समय की बात कर ले, तो यूनान, यूगोस्लोवाकिया, चीन, पाकिस्तान, तुर्की आदि देशों में एक सदनीय व्यवस्थापिका ही है। और आपको पता है, एक पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सभी देश जो एक सदनीय विधायिका को वर्चस्व देते हैं, संचालन करते हैं, वो सारे देश बहुत ही तरक्की कर रहे हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में कौन कौन से ऐसे देश है, तो आप बताएंगे यूनान, यूगोस्लाविया, चीन, पाकिस्तान, तुर्की आदि ऐसे देश है जहां पे वर्तमान समय में एक सदनीय विधायिका या फिर व्यवस्थापिका मौजूद है। देखिए इसके अलावा आपको जानना है एक सदनीय व्यवस्थापिका में उत्तरदायित्व सुनिश्चित रहता है। इसके कुछ प्लस पॉइंट और कॉन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ इसके अच्छी बातें मतलब सकारात्मक सोच के बारे में बता देता हूं। जो एक सदनीय व्यवस्थापिका होता है उसमें उत्तरदायित्व जो होता है वो सुनिश्चित होता है। इसमें उत्तरदायित्व का दो सदनों या दो स्थानों पर विभाजन नहीं होता। अब अगर दो सदनीय होते हैं उसमें क्या होता है कि काम, उत्तरदायित्व, समझ सब दो भागों में बट जाता है, लेकिन यहाँ पे एक सदन है इसलिए इसका उत्तरदायित्व विभाजित नहीं होता है। इसके अलावा यह सार्वजनिक हित के अनुकूल है। द्वितीय सदन तो धनवान वर्गों का पोषक है। द्वितीय सदन कहने का मतलब है जहां पे द्विसदनीय विधायिका या व्यवस्थापिका है वो पैसे वाले लोगों को और धनवान कर देता है। इसी समय धन उसमें क्या होता है, धन और समय दोनों का बचत होता है। किसमें? एक सदनीय व्यवस्थापिका या विधायिका में। इसमें दो सदनों में पाए जाने वाले गतिरोध की संभावना नहीं होती एवं अच्छे एवं उपयोगी कानून का निर्माण करती है। एक सदन के लोग हमेशा अच्छे नियम कानून का निर्माण करते हैं, अपने देश की तरक्की करते हैं, समय का बचत करते हैं, धन का बचत करते हैं। लेकिन वहीं अगर द्विसदनीय की बात कर ली जाए तो वो धनवान वर्ग पैसे वाले लोगों को अधनवान करता है, गरीब को और गरीब बना देता है, समय ज्यादा खर्च करता है, धन ज्यादा खर्च करता है और कानून में भी बहुत प्रकार की लचीलापन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन यही पे हम अगर एक सदनीय व्यवस्थापिका की बात कर लें तो ये सरल पद्धति है, आसान है। इसके आधार पर विधायिका का गठन आसानी से समझा जा सकता है, लोगों के अंदर इसकी समझ आसानी से आ जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा एक सदनीय विधायिका। आशा करता हूं कि आज की दी गई जानकारी एक सदनीय विधायिका आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।